फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीत डिलीशियस फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन इडली। इडली का बैटर रेडी करने के लिए हमें चाहिए 1 kg इडली राइस, जो कि मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रख दिए हैं। 250 ग्राम उड़द दाल, इसे मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रख लिया है। 1 स्पून मेथी दाना है, इसे भी मैंने सोक करके रख दिया है। अब हम उड़द दाल को ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेस्ट में। अब हम इसे चला लेंगे। मेथी दाना भी मैं इसी के साथ ही पीस लूँगी। बीच बीच में इसमें पानी भी डालकर आप इसे चला सकते हैं। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब राइस में भी हम थोड़ा सा वाटर डालकर अब इसे चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस का बैटर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट रखेंगे। अगर आप चाहें तो 8 से 9 आवर्स भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इडली और डोसे का बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट है। हम इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम ले लेंगे इडली कुकर। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। इडली बर्तन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। मैंने इसको कर लिया है। अब हम इसमें इडली का बैटर डालेंगे। क्लोज कर लेंगे। 10 मिनट्स के लिए हम इडली को रख देंगे। मीनवाइल हम नारियल की चटनी बना लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 नारियल, 2 हरी मिर्च, नमक और रोस्टेड चना दाल। मैं इन्हें मिक्सी में चला लूँगी। फ्रेंड्स, नारियल की चटनी बनकर रेडी है। टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड सीड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स, 2 ग्रीन चिलीज। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, इडली बनकर रेडी है। अब मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इडली को सर्व करेंगे चटनी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।